सॉरी दोस्तों, लेकिन सिर्फ दो ही बाल्टी पानी निकला टंकी से। बस हाँ, पूरी टंकी खाली हो गई है, एक बूंद भी पानी नहीं है। कितने पानी से क्या होगा, मुझे तो हाथ पैर धोने के लिए भी इससे ज्यादा पानी चाहिए होता है। ओहो, हम चार और पानी से भरी बाल्टी दो, इसमें तो हम में से किसी का काम नहीं बनेगा। मैं काम करता हूँ, मैं गराज जाके नहालूंगा। एक काम करो, आप लोग आपस में ये पानी बांटो। तो मैं अपनी बाल्टी ले लेता हूँ। सोड़ी मेरे भाई, कल मेरे भाई, आज तूने ये जो त्याग दिया है ना, उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। थैंक यू सोड़ी, थैंक यू, थैंक यू सोड़ी। यारो की गल कर रहे हो, ये तो घर की बात है ना। अमरलाल आप जल्दी से 2x3 करो। 2x3 सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं होटल में बैठ के सूप के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। हाथी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2x3 करने से भी आप इतने से पानी से ना पाए। हाँ बराबर है, एक काम करो 1x2 कर लो। 1x2 करने की क्या जरूरत है, 2 बाल्टियों में पानी है ना, तो 1 बाल्टी मेरे लिए, 1 बाल्टी अजय भाई के लिए। नहीं नहीं पोपटलाल, तुम समझे नहीं, ये जो 1 बाल्टी है ना वो मेरी, बाकी दूसरी बाल्टी में से तुम दोनों 1x2 कर लो। 2x3 करते हैं, क्या है ना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शाबाश पोपटलाल, जरा संभाल के आओ, एक एक बूंद कीमती है भाई, पानी बाहर मत गिराना। क्या ना, अरे भाई बहुत भारी है ये। चलो पानी का इक्वल बंटवारा हो गया। चलो चलो, क्या पोपटलाल, ये मेरी बाल्टी में पानी कम है, तुम्हारी बाल्टी में पानी ज्यादा है, देखो बंटवारा होगा तो बराबर का होगा। हाँ पोपटलाल, सबको इक्वल पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, चीटिंग नहीं चलेगा। नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। और अय्यर भाई, आपकी तो अपर बॉडी धुल चुकी है ना। अपर बॉडी, मतलब आपने अपना सर धो लिया है ना, सिर्फ बाकी की बॉडी बाकी है। ये हमारी तो फुल बॉडी बाकी है भाई। अरे बंटवारा बंटवारा अय्यर, सबका इक्वल बंटवारा होगा। हाँ बराबर होगा। हाँ बाबू, मैंने अपने हिस्से का पानी सबको बराबर दिया ना, तो सबके बीच में बराबर बंटना चाहिए। हाँ पोपटलाल, ऐसी चीटिंग मत करो भाई, बराबर बंटवारा करो। बराबर बांटता हूँ भाई। आज ये पानी पानी नहीं रहा, जैसे घी हो गया है, तोल तोल के बांटना पड़ रहा है। बिल्कुल माँ, पानी होता है तब उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन आज जब पानी नहीं है तो उसकी कीमत समझ में आ रही है। नहीं सही बात है। हो गया भाई, मैं अभी बराबर बंटवारा किया है, देख लो भाई सब चेक कर लो, बाद में बोलना मत। नहीं नहीं ठीक है, ओ बराबर है बाबू, शाबाश। चलो चलो फिर अपनी अपनी बाल्टी पकड़ो। चलो 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 चलो, ये आपकी है ना हाथी भाई। तरी सांडलंच पाणी पोपटलं, जर पुष्ण घेऊन ये जा। रोशन आले, रोशन बाल्टी खाली, माडवी भाभी के घर पानी लेने गया था ना वो। हाँ सुनिए, पानी लेने तो गया था, पर पीड़ू के घर के नल का भी ना हॉर्न बज गया। तेरे भाई के घर के नल से हॉर्न बजते? ओए सुनिए, और नल का हॉर्न बज गया मतलब वहाँ पे भी पानी खत्म हो गया। ओ खड़े जी। हाँ सुनिए, वो पीड़ू के घर की तो पूरी टंकी खाली हो गई, सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिला। सिर्फ 2 बाल्टी पानी बस? सोच सुनिए सोच, बाल्टी 2 आदमी 5, बहुत नाइंसाफी है यार। रोशन सिंह है, गब्बर सिंह नहीं। और सुनिए, वो गब्बर सिंह होता ना तो पानी लेके आ जाता, रोशन सिंह सोरी हूँ इसलिए पानी बांट के आ गया। मैंने बोला, मैंने नहीं नाना, आप लोग ही आपस में पानी बांट लो। लेकिन एक बात बता, 5 कैसे, तुम लोग तो 4 आदमी ही थे, पोपट भाई, अय्यर भाई, हाथी भाई और तू। अपने हाथी भाई 2 बंदों के बराबर है, तो उनको 2 बाल्टी लगेगी ना, तो हो गए 5।
रोशन ये भी टेंशन नहीं वक्त तुझे मजाक सूझे और सुनिए टेंशन के माहौल को हल्का करने के लिए मजाक कर रहा हूँ अब तू बिना नहाए गैरेज जाएगा नहीं सुनिए नहाऊंगा ना गैरेज जाके आई सारी आइडिया छे मैं परवड़े एक जोड़ी कपड़ा पैक कर लेता हूँ तू घर का ध्यान रखना घर का तो पता नहीं आज बिना पानी के क्या होगा भेड़े भाई जल्दी पता करे कि टैंकर कब आने वाला है तो सारा काम निपटे हेलो ऋषि भाई मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी ओ नमस्कार आत्माराम भाऊ हाँ नमस्कार क्या हालचाल हालचाल की तो बात ही मत पूछो आत्माराम भाऊ सुबह से पानी ने परेशान करके रखा हुआ है हाँ गोकुलधाम सोसाइटी का भी यही हाल है और हम सेक्रेटरी लोगों को तो और ज्यादा मगजमारी है सोसाइटी के सभी लोग एक ही बात पूछते हैं टैंकर कब आएगा सेम 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 यहाँ भी यही हाल है सब आके मुझे ही पूछ रहे हैं अच्छा मैंने म्युनिसिपैलिटी में फोन किया था तो उनका कहना है कि अपने एरिया में टैंकर आने वाला है तो आपको कुछ जानकारी है इस बारे में यहाँ भी टैंकर का कोई ठिकाना नहीं है मैं तो कब से गेट पे खड़ा हूँ पता नहीं टैंकर कब आएगा हाँ तो एक काम करते ऋषि भाई अगर मेरी सोसाइटी में टैंकर आता है ना तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर आपकी सोसाइटी में टैंकर आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना भूलना नहीं ठीक है अहो हाँ। क्या हुआ टैंकर का कब आने वाला है वो बर्तन कपड़े घर का सब काम पड़ा है माधवी शांति रखो अपने बाजू की जो सोसाइटी है ना आसो पालो वहाँ के सेक्रेटरी है ऋषि भाई मैंने उनसे अभी बात की उनके अभी टैंकर नहीं आया तो मैंने उनको बोला कि जब भी टैंकर आए मुझे इन्फॉर्म कर देना कब आएगा टैंकर और कब घर का काम होगा आता ही होगा माधवी एक मिनट महिला मंडल तो मोर्चा लेके आ गई मोर्चा नहीं हो वो सिर्फ अपनी परेशानी बताने आए हैं भिड़े भाई टैंकर का क्या हुआ बताइए ना कब तक आएगा अभी तक कुछ पता नहीं चला है मैं फोन पे इंक्वायरी कर ही रहा था जैसे पता चलेगा मैं बोल दूंगा इसका मतलब ये हुआ भिड़े भाई कि टैंकर कब और कितने बजे आएगा उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है राइट मतलब टैंकर का इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं ऑप्शन है ना हम लोग हमारा प्राइवेट टैंकर क्यों नहीं मंगवा लेते जो भी होगा हम सब लोग पैसा उसका शेयर कर लेंगे या, that's a good idea. अरे हो ये मुझे क्यों नहीं सूझा ये पानी के चक्कर में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था मेरे पास नंबर है टैंकर वाले का मैं अभी फोन करता हूँ उसे ये हो जाए तो अच्छा हाँ पैसे लो फोन ही नहीं उठा रहा फिर से ट्राई करता हूँ मुझे नहीं उठा रहा है मेरे पास दूसरे टैंकर वाले का नंबर है वो ट्राई करता हूँ ये भी फोन नहीं उठा रहा है हे भगवान आज सभी टैंकर वाले बिजी होंगे पूरे एरिया में पानी का प्रॉब्लम हुआ है ना हाँ करेक्ट इसीलिए कोई फोन नहीं उठा रहा है अभी सब डिमांड में होंगे ना मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए म्युनिसिपैलिटी वाले टैंकर भेज देंगे और जैसे ही टैंकर आएगा मुझे फोन आ जाएगा हाँ पानी ने तो सबको घेला करके रखा है रोशन भी आज बगैर नहाए गैरेज चला गया पता नहीं बेचारे ने कैसे मैनेज किया होगा वापे जी पाजी ओ यार थोड़ा फवारा मेरे ऊपर भी मार दे लगता है पाजी आप घर से नहा के नहीं आए आज ओ यापे मेरे लाले की जान आज अपने गोकुल धाम में पानी का प्रॉब्लम हो गया पानी आए नहीं यार और तू ना ये फुवारे से ना पानी जरा कम इस्तेमाल किया कर और पानी बचाना बहुत जरूरी है आज मेरे गोकुलधाम सोसाइटी बिना पानी के रूखी सूखी हो गई चल चल अभी फुवारा मारने ला मेरे को फटाफट से मेरे से नहाए नहीं हुआ और मुंह से मार इस मारी थल्ले मार पहले हाँ हाँ गोकुलधाम सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्या है आज कोई दिखाई भी नहीं दे रहा ओ माधवी भाभी सब्जी ले लो अंजलि भाभी सब्जी ले लो ये देखो सब्जी वाली भी आ गई पता नहीं बिना पानी के खाना कैसे बनाएंगे हम लोग मेरे भाई अगर टैंकर नहीं आया तो क्या होगा बाबा पता नहीं रोशन भाभी अभी देखते हैं क्या होता है फिलहाल नीचे चलते हैं और जाके हमें कुछ सोचना पड़ेगा टैंकर जल्दी आए तो अच्छा वरना और कोई मोर्चा लेके आ जाए बबीता जी सब्जी ले लो नीता हम यहाँ है क्या आप सब लोग कुठे होता पर
चलो बोलो बोलो फटाफट क्या क्या दो आपको? ककड़ी, टमाटर, गाजर, धनिया सब ताजा है। सुनीता तुम्हारी सब्जी तो सब ताजी है लेकिन हम सब मुरझाए हुए हैं। हाँ वो गर्मी भी जास्ती बढ़ गई है ना। अरे नहीं नहीं सुनीता, एक्चुअली गर्मी तो है पर हमारे मुरझाने की वजह कुछ और ही है। क्यों क्या हुआ बबीता जी? आपके चेहरे की गुलाबी कुछ कम हो गई है। और अब सबको आज हुआ क्या है? सुनीता आज गोकुलधाम में पानी नहीं आया है। पानी नहीं आया? नहीं आया। और देखो ना सिर्फ गोकुलधाम में नहीं ये एरिया में कहीं पे भी पानी नहीं आया है। आज बहुत पानी का प्रॉब्लम हुआ है। मैं तो आज सब्जी नहीं खरीदने वाली, बिना पानी के खाना कैसे बनाऊंगी? मैं तो कहती हूँ कोमल भाभी एक टाइम खाना बना लेंगे, जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, पर खाना बनाने के बाद बर्तन और सफाई में जो पानी लगेगा वो कहाँ से लाएंगे? एवं लगे कि गोकुलधाम में बहुत बड़ा अकाल आया हुआ है। अरे देवा किसी के घर में पानी नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत पीने का पानी बचा है पर बाकी बिल्कुल पानी नहीं है। ये तो होगा ही ना, आपके बिल्डिंग में 24 घंटे पानी रहता है तो आपको तो बादली भरने की आदत हो गई। नहीं मेरे बस्ती में सुबह 4 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए पानी आता है तो मैं सुबह जल्दी जल्दी टब बाल्टी जो भी है वो मैं भर लेती हूँ। फिर वो पानी पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके वापरती हूँ। पानी भर के रखा हो ना तो ऐसे टाइम पे काम आता है। हाँ सुनीता तुम्हारी बात तो एकदम बराबर है। और आज जब यहाँ पे पानी नहीं है तो हमें ये बात समझ में आ रही है। बूंद बूंद पानी की क्या वैल्यू है आज समझ में आया। पर अब बिना पानी के करेंगे क्या ये सोचना है? आइडिया, हम और कोई सब्जी नहीं खरीद सकते पर ककड़ी टमाटर तो खरीद सकते हैं ना। ककड़ी टमाटर में पानी का प्रमाण ज्यादा होता है। अरे हाँ दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। सुनीता तुमने काम करो, आज हमें सिर्फ काकड़ी और टमाटर दे दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं? और कुछ लेकर करेंगे क्या? अरे देवा आज तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों? आज तो बिना पानी के किसी भी सोसाइटी में कोई भी सब्जी नहीं लेगा और ऊपर से ये गर्मी, आज तो सब्जी को पानी छिड़क के ताजा रखना पड़ेगा। सुनीता मुझे थोड़ा सा पानी दोगी प्लीज? क्या हुई नहीं आप भी? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हें पूछ रही हूँ कि थोड़ा सा पानी मिल सकता है प्लीज, बहुत जरूरत है। हाँ लेकिन ये पीने का पानी नहीं है, सब्जी पर छिड़कने का पानी है। हाँ हाँ पता है चलेगा, एटलीस्ट हाथ मुंह धोने में तो काम आएगा ना, प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो। ठीक है आप ले जाओ लेकिन मुझे थोड़ा चाहिए। वो क्या है गर्मी ज्यादा है ना तो सब्जी पर छिड़कने के लिए मुझे पानी चाहिए। हाँ चलेगा चलेगा। अंजलि भाभी एक बकेट देंगे प्लीज? आइए ना बबीता जी। थैंक यू। सुनीता तब तक हमारा भी ककड़ी टमाटर आप जरा। सुनीता थैंक यू। सुनीता कितना हुआ? क्या हुआ नहीं आप भी, आपसे पानी के पैसे थोड़ी ना लूंगी। सुनीता थैंक यू सो 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 मच। आप लोग तो अभी कुछ लेंगे नहीं तो मैं जाऊं? सुनीता कल सब्जी लेके आ जाना ठीक है? हाँ। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। हमने सुनीता को तो कह दिया कि हमें सब्जी नहीं चाहिए पर हम लोग खाने का करेंगे क्या? ककड़ी टमाटर ले लिए है, सलाद बनाकर खा लेंगे। पर हंस को सिर्फ सलाद से नहीं चलेगा, उनको पूरी थाली चाहिए होती है। और गोली भी अभी कॉलेज से आता होगा, आते ही खाना मांगेगा। होगी भी आते साथ ही बोलेगा मम्मी भूख लगी है। अब बिना पानी के कैसे खाना बनाऊंगी मैं? बराबर 18 19 20 20। वाह वाह क्या बैलेंस है यार, मेरे से ज्यादा किया। कितना तेरा? 2। अच्छा बहुत इजी है, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा ये ले करके दिखा। जस्ट वेट एंड वॉच। करके दिखा। चल काउंट कर, काउंट कर। रेडी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोली तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। ठीक है ना, तुझे लगा तो नहीं? नहीं लेकिन ए, नहीं नहीं गोगी हंस मत, हंसना नहीं चाहिए।
सॉरी ओए गोली, तू तो एकदम चॉकलेट लग रहा है, चॉकलेट। हैं, चॉकलेट लग रहा हूँ। तो आजा फिर टेस्ट कर ले। छोड़ यार, छोड़ यार, इतना गंदा हो गया उससे यार। चल 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 गोली, अब घर जाके नहा ले, बहुत गंदा हो गया। तो ऑब्वियसली नहाना पड़ेगा यार, चलो चल चल। नहीं बॉल ले गोगी, बॉल। अच्छा ही हुआ यार, मॉइस्चराइज हो गई नी स्किन। क्या हुआ टैंकर का? मैं विजिट से वापस आ गया पर अभी तक टैंकर नहीं आया। अरे भाई यार, तेरा टैंकर तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन पीने का पानी का क्या करे? वो अब्दुल अभी तक पानी की बोतल लेकर नहीं गया। आगे आगे आगे। अरे क्या अब्दुल, दुकान से पानी लाने में इतना टाइम लगा दिया? चाचा जी, मेरे दुकान में पानी की बोतलें खत्म हो गई थी। हाँ चाचा जी, हम लोग मार्केट गए थे पानी की बोतल लाने के लिए, कहीं भी पानी मिल नहीं रहा था। हाँ लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि जरा प्लीज संभल कर पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद में पानी अवेलेबल नहीं होगा। हाँ चलो चलते दुकान। हाँ पीने के पानी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आई नो बबीता जी, पर बस अब टैंकर आ जाए तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सही बात है। मम्मी आ गया टैंकर। गोली बेटा, बेटा तुम ठीक तो ना बेटा? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं ना? अरे आई एम ऑल राइट पापा। क्या है सब? डोंट वरी पापा, आई एम ऑल राइट, कुछ नहीं हुआ है, बस चलते चलते कीचड़ में गिर गया और कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कीचड़ में गिर गए गोड़िया? एक्सक्यूज मी, चाहो मतलब ऐसे कैसे कीचड़ में गिर गए गुलाब कुमार? सोसाइटी में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है भाई, तो नहाओगे कैसे? क्या भीड़ अंकल, हम लोग सुबह कॉलेज नहा कर गए और आप बोल रहे हो कि पानी नहीं आ रहा। अरे टप्पू बेटा, हम जो नहाए ना वो अपने घर की टंकी का पानी था, बाकी आज सुबह से म्युनिसिपैलिटी का पानी तो आया ही नहीं। हाँ ठीक रहा। आप लोगों के कॉलेज जाने के बाद यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी में पानी की वजह से बहुत बवाल हो गया। सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, पूरे एरिया में पानी नहीं है। अरे हाँ, वो संतोष नगर है ना, उसके पास पाइपलाइन फूट गई है, तो शाम तक सबको पानी के बिना ही रहना पड़ेगा। मम्मी अब ये पूरा कीचड़ साफ कैसे होगा? वही तो, पानी की वजह से हम सब ऑलरेडी यहाँ परेशान है, ऊपर से तू एक नया टेंशन लेकर आ गया, और ये साफ करने के लिए तो बहुत सारा पानी लगेगा। किसी के घर में पानी नहीं है तो अब क्या करेंगे? क्या पानी नहीं है, सबके हाथों में इतना सारा पानी तो है। अरे ए मीडियम सुड़ी, तुम क्या ये गोलियां को ये मिनरल वाटर से नहलाने की बात कर रहे हो? ये पीने का पानी मैं और अब्दुल बड़ी मुश्किल से लेके आए मार्केट से। हाँ, सबको 200 बोतल ही मिली है, पूरे एरिया में पानी की बोतल की शॉर्टेज है। हाँ तो मुझे प्लीज कोई एक बाल्टी पानी दे दो, मैं एक बाल्टी में मैनेज कर लूंगा। और भाई आज गोकुलधाम में ये क्या हो रहा है? हम लोगों की परेशानी क्या पहले ही कम थी कि गोली अब कीचड़ में लथपथ होकर आया? भाई ये स्थिति ऐसी है जैसे कंगाली में आटा गीला, लेकिन ये आटा गीला नहीं है, सूखा है, क्योंकि पानी नहीं है। और हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं पानी के टैंकर का, लेकिन टैंकर है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल मायके गई रूठी हुई बीवी की तरह हो गया कि टैंकर नहीं आ रहा है, पता नहीं टैंकर कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, और नहीं आया तो बिना पानी के हम क्या करेंगे? समस्याएं इतनी सारी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पानी चाहे हो न हो, लेकिन हंसी का फव्वारा आपके घरों में हम चलाते रहेंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.